गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच इंग्लिश। इंग्लिश में आज आप लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ यू एंड दे। यू एंड दे और यू के साथ क्या यूज होता है? योर, एंड दे के साथ देयर। यू मीन्स तुम या आप, एंड दे मीन्स वे, अब वे। यू मीन योर मीन्स तुम्हारा या आपका, देयर मीन्स उनका या उनकी। तो यू के साथ क्या यूज होता है? योर। वाई ओ यू मीन्स तुम या आप, यू के साथ योर, टी एच ई वाई दे के साथ टी एच ई आई आर देयर, दे के साथ देयर का यूज होता है। देखिए कैसे यूज होता है। ये फर्स्ट में आपका क्या लिखा है, देखिए यू आर ए ड्राइवर, मतलब यू मीन्स तुम, आर मीन्स है और ड्राइवर मीन्स ड्राइवर। आप एक ड्राइवर हो। योर नेम इज डेविड। योर मीन्स तुम्हारा या आपका, नेम मीन्स नेम नाम, इज मीन्स है, डेविड मीन्स नाम, किसी का नाम। आपका नाम डेविड है। अपने से बड़ों को यू मीन्स तुम, अपने से बड़ों को यू मीन्स आपका यूज करते हैं, छोटों के लिए तुम। इसी तरह से योर का यूज अपने से बड़ों के लिए आपका, और छोटों के लिए तुम्हारा। तो यू आर ए ड्राइवर, आप एक ड्राइवर हो। योर नेम इज डेविड, आपका नाम डेविड है। नेक्स्ट देखिए यू आर ए टीचर, आप एक टीचर हो। योर नेम इज मिस गीता, आपका नाम मिस गीता है। नेक्स्ट है दिस इज नीला एंड दिस इज सालू। ये दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, नीला एंड दिस इज सालू। यह नीला एंड, यह नीला है और यह सालू है। दे आर सिस्टर्स, मतलब एक से अधिक हैं। ये क्या हैं? दो हैं, तो दो के लिए दे का यूज होता है। दे आर सिस्टर्स, वे बहने हैं। दिस इज नीला, मतलब ये नीला है, एंड दिस इज सालू, ये सालू है। दे आर सिस्टर्स, ये बहने हैं। देयर पेरेंट्स लिव इन दिल्ली, दिल्ली। देयर मतलब उनका, उनके माता पिता, लिव मीन्स रहना, दिल्ली मीन्स दिल्ली। उनके माता पिता कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। तो उनके माता पिता दिल्ली में रहते हैं। नेक्स्ट है यू आर ए कारपेंटर, आप एक कारपेंटर हो, यानी कि बढ़ई, जो बढ़ई लोग होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, वो कारपेंटर बोलते हैं। प्लीज गिव मी योर हार्मर, क्या आप मुझे अपना वो कुल्हा, हार्मर दोगे, यानी कि हथौड़ा। सी इज पूजा, सी इज पैम, ये पूजा है, वह पूजा है और वह पैम है। यह क्या बोल रहा है? सी इज पूजा, वह एक, वह पूजा है, और सी इज पैम, वह पैम है। दे आर फ्रेंड्स, वे दोनों क्या हैं? वे फ्रेंड्स यानी कि दोस्त हैं। दे आर ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल, उनकी ड्रेसेस जो हैं, जो उनके कपड़े हैं, वो सुंदर हैं। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। नेक्स्ट है आपका बिपिन एंड राम आर प्लेयर्स। बिपिन और एंड मीन्स और, राम आर मीन्स है, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी। बिपिन और राम क्या हैं? खिलाड़ी हैं। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे, दे मीन्स वे, प्ले मीन्स खेलना, क्रिकेट मीन्स क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं। देयर बैट्स आर न्यू, उनका बैट्स क्या है? न्यू है यानी कि नया है, उनका बैट क्या है? नया। देखिए इसी तरह से यह आपका एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट वर्ड, आपको क्या करना है? टिक करना है, जो सही है उसको टिक करना है। तो लिखा है यू एंड दे आर द टीम कैप्टन, तो यहाँ पे क्या होगा? ये देखिए ये इनकी टीम है, तो बोल रहा है यू यूज होगा या आर द टीम कैप्टन, मतलब कि आप टीम के कैप्टन हो। क्या बोल रहा है? आप टीम के कैप्टन हो, यानी कि तुम टीम के कैप्टन हो। वे टीम के कैप्टन है, ये नहीं होगा, क्योंकि एक ही लोग कोई टीम का कैप्टन है। तो यू यहाँ पे क्या यूज होगा? यू, तो यू को आपको टिक करना है। यहाँ पे आप यू को लिख भी सकते हैं, यहाँ टिक करने के लिए लिखा है। तो यू आर द टीम कैप्टन, मतलब कि आप क्या हो? टीम के कैप्टन हो। योर एंड देयर टीम हैज ओन द मैच, तो क्या होगा? आपका यू के साथ क्या यूज होता है? योर, तो आपका टीम मैच जीत लिया है। क्या होगा? आपका टीम मैच जीत लिया है, तो यहाँ पे योर का यूज होगा, वाई ओ यू आर, योर। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका यू
एंड दे आर ड्राइंग. क्या है यहाँ पे, दो बच्चे हैं ड्राइंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे तुम्हारा नहीं होगा, तुम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, दे का यूज होगा क्योंकि वे ड्राइंग कर रहे हैं. तुम ड्राइंग कर रहे हो नहीं, यहाँ पे दे का यूज होगा. तो यहाँ पे क्या लिखना है, टी एच ई वाई दे, यहाँ पे भी ये टिक करना था. तो देखिए यहाँ पे हो गया दे आर ड्राइंग, वे ड्राइंग कर रहे हैं. अब क्या कहे, योर या देयर, चार्ट आर नीट, क्या उन दे के साथ क्या यूज करना है आपको, देयर, देयर आर, देयर चार्ट आर नीट, उनका चार्ट जो है वो साफ सुथरा है. तो देयर, तो यहाँ पे आपको भरना है, फिल करना है देयर, टी एच ई आई आर देयर. नेक्स्ट है आपका यू एंड दे आर पोटर्स, क्या है, आप जो है वे क्या है, कुम्हार है, पोटर्स यानी कुम्हार है, तो क्या वे, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, दे आर पोटर्स, वे कुम्हार है. योर या देयर पॉट्स आर ब्यूटीफुल, उनका पॉट्स मतलब ब्यूटीफुल है, तो योर दे के साथ देयर का यूज होगा, मतलब उनका जो बर्तन है वो ब्यूटीफुल है यानी कि सुंदर है. ये नेक्स्ट है आपका यू या दे आर फ्रेंड्स, मतलब ये दोनों हैं, क्या बोल रहा है कि तुम, हम, तुम दोस्त हो, मतलब कि वे दोनों दोस्त हैं, यहाँ पे क्या यूज होगा, दे, दोनों दोस्त हैं. तो यहाँ पे क्या यूज करना है, वे दोस्त हैं, तो टी एच ई वाई दे. यहाँ पे फिर यू या दे स्टडी इन द सेम स्कूल, क्या है, उनका स्कूल क्या है, सेम है, यानी कि वो दोनों जो हैं वो सेम स्कूल में, मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे भी दे का ही यूज होगा कि वे दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं. ये हो गया. नेक्स्ट है आपका यू एंड दे आर ए लॉयर, ये मतलब कि क्या, तुम लॉयर हो यानी आप लॉयर हो यानी वकील हो, या वे लॉयर हैं, तो ये अकेले हैं यानी कि अपने लिए यूज करना है इनको, तो ये इनको अकेले हैं, इनको सिंगल यूज करना है, तो क्या होगा, यू आप एक लॉयर हो यानी कि आप एक वकील हो, तो यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, योर का. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, योर नेम इज मिस्टर गोविल, आपका नाम मिस्टर गोविल है, तो यहाँ पे वाई ओ यू आर, योर का यूज होगा. इसी तरह से आपको अपनी बुक में फिल करना है. इसी तरह से देखिए अपनी कॉपी में सी डब्ल्यू डेट, आज का हेडिंग है यूज ऑफ यू एंड दे विथ योर एंड देयर. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आर ए ड्राइवर, आप एक ड्राइवर हो, तो क्या यहाँ पे फिल करना है, वाई ओ यू, यू आर ए ड्राइवर, योर नेम इज डेविड, यहाँ पे यू के साथ योर, वाई ओ योर, योर नेम इज डेविड. अब ये होगा आर फ्रेंड्स, वे क्या है, फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, दे का यूज करना है, दे आर फ्रेंड्स, वे फ्रेंड्स हैं और उनका स्कूल सेम है, तो क्या होगा, देयर, टी एच ई आई आर, देयर स्टडी इन द सेम स्कूल, उनका स्कूल सेम है. इसी तरह से आप अपनी कॉपी में भी फिल करेंगे.